इस वीडियो में बात करेंगे आपसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल की जो प्रीफ्रेंस को चेंज करने का लिंक था वो अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं आया और रिजल्ट कब तक आएगा, और थोड़ी सी चर्चा करूंगा कट ऑफ के लिए। इन तीनों वीडियो पर बात करूंगा। अब वीडियो के अंत सबसे पहले आपको बता दूं सीआरपीएफ का जो एग्जाम है 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक हुआ था और इसका आंसर की समय के अनुसार दिए गए समय के अनुसार जारी के समय से आया था। उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि 25 जुलाई को आपका जो पोस्ट प्रीफ्रेंस चेंज करने का लिंक है 3 पोस्टों के लिए वो आपको एक्टिवेट कर देंगे, जिससे आप अपने सुविधानुसार पोस्ट को ऊपर नीचे रख सकती हैं। क्योंकि कुछ लोग, कुछ लड़के ऐसे थे जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे जिनकी वैकेंसी जीरो हो गई, काफ़ी सारे पोस्ट की वैकेंसी जीरो हो गई। क्योंकि पहले वैकेंसी 9200 थी, फिर घट के साथ 8500 के आसपास चली गई। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका कि जिस कैटेगरी में अप्लाई की थी, जिस स्टेट के लिए अप्लाई की थी, उसका मतलब जो वैकेंसी वो जीरो हो गया, उस स्टेट में उनके राज्य में जो वैकेंसी वो जीरो हो गई, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ गई कि अगर वो पेपर में बैठते भी हैं तो फिर पेपर में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास वैकेंसी नहीं रहेगी तो तुम पेपर देकर करोगे, तुम ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो बाहर, तो तुम्हारा रिजल्ट आने से कोई मतलब ही नहीं बचेगा। फिर इस वजह से बोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने एक मौका दिया था कि हम क्या करेंगे, बच्चों को लिंक देंगे जिससे वो अपने प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। पहले तो ये लगा था कि पहले वो प्रेफरेंस चेंज करवाएंगे फिर एग्जाम लेंगे, बट नहीं, वो अपनी बातों पे डटे रहे, वो पहले एग्जाम को करवा लिया, एग्जाम को सही तो समय सीमा के अंदर करवा लिया। उस समय यही हल्ला हो रहा था, यही लोग बता रहे थे कि एग्जाम भी टल जाएगा इसकी वजह से। बोर्ड ने एग्जाम को टाइम से करवाया और उन्होंने एग्जाम होने के बाद आंसर की भी टाइम से ही दे दिया। तो चिंता की बात मत करो, देखो एक चीज तो कन्फर्म है, जब तक तुम्हारा लिंक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक तुम प्रेफरेंस चेंज नहीं कर लेते, आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा लिंक चेंज करने का। लिंक आपको 1 हफ्ते तक एक्टिवेट मिलेगा, उसके अंदर उस समय दिए समय के अंदर आप कर सकते हो। उसके बाद रिजल्ट आपको प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये जितना डिले हो रहा है ना, वो रिजल्ट आने के लिए ही डिले हो रहा है। क्योंकि जब जिस दिन लिंक एक्टिवेट करेंगे, 1 हफ्ते बाद आप 1 हफ्ते का लिंक एक्टिवेट करने का मौका देंगे, उसके अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर आपका फिजिकल और टेस्ट दोनों एक साथ होगा, उसके बाद आपका मेडिकल रीमेडिकल जो भी प्रोसेस है, आगे की डीवी वगैरह की चीज़ें होती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि भाई रिजल्ट में डिले होने का यही कारण है, क्योंकि अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, और इसका प्रॉपर रीजन मेरे पास भी नहीं है, शायद किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने अभी जाके चेक किया, कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, और मैंने उनको मेल एक मतलब सीआरपीएफ को ऑफिशियल मैंने एक मेल डाल दिया है लिंक के रिकॉर्डिंग की, मेल लिंक अभी तक एक्टिवेट की नहीं हुआ प्रेफरेंस वाली, देखते हैं रिप्लाई आता है तो आपको बता देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो वेट करो, लिंक जब तक नहीं आता है तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है तो प्रेफरेंस चेंज जरूर करवाएंगे, और करवाना भी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के जान जिनके स्टेट में वैकेंसी जीरो हो गई है, उनको मौका तो मिलना चाहिए ना वैकेंसी में, क्योंकि जब फॉर्म भरे थे उसमें वैकेंसी थी, बाद में वैकेंसी वहाँ पर जीरो हो गई। तो ये तो बिल्कुल लिंक जो परेशान हुए लोग परेशान है कि जिनकी स्टेट में वैकेंसी जीरो हो गई है, उनको मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा मौका सबको मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल रॉन्ग नहीं जाएंगे, सही जाएंगे। हालांकि डिले हो रहा है, डिले से ज़्यादा परेशान मत होना, हो सकता हो कल परसों या जब भी हो सकता हो वीडियो बनाने के बाद भी लिंक एक्टिवेट हो जाए, कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, उसके लिए परेशान ना रहो, मौका मिलेगा आपको, ठीक है। तो रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट आपका लिंक एक्टिवेट होने के 1 से 1.5 महीने बाद ही आएगा। और अगर बात कट ऑफ की बात, ये दो चीज़ क्लियर कर दिया मैंने, लिंक वाली बात और रिजल्ट वाली बात। थर्ड अगर बात करूँ कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ में जितना भी वीडियो बनाया था कट ऑफ का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के ऊपर, मैंने आपको क्लियर क्लियर ये बात बताई कि भैया 60 से लेकर 75 के बीच सारे कट ऑफ वेरी करेंगी, और मैंने आपको स्टेट वाइज भी कट ऑफ बता दिया, आप जाके वीडियो चैनल पर देख सकते हो, पड़ा हुआ है। मैंने एक एक स्टेट के लिए, एक एक कैटेगरी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, सबके लिए मैंने अलग अलग से कट ऑफ बताया है, उसको आप एक बार देख लेना, आपका सारा वो जो भ्रम है ना वो क्लियर हो जाएगा कट ऑफ को लेकर। और देखो नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा फेक पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, कुछ कुछ मॉडरेट लेवल के थे, कुछ कुछ ईजी भी थे, तो बिल्कुल परेशान मत होना। अगर नंबर तुम्हारे कम आते हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 62 नंबर आ रहे हैं, तो परेशान मत होना, नंबर तुम्हारे जरूर बढ़ जाएंगे उसके हिसाब से, अगर आपका लेवल कठिन रहा होगा तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, और कट ऑफ भाई 60 से 75 के बीच में ही वेरी करेगी, लिख के ले लो सारे टेट्स की। अभी मेरे टेलीग्राम जो नहीं ज्वाइन कर, ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।